हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था और कॉमन पोटेंशियल को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर, देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कंडेंसर बैटरी के साथ जुड़े हुए, कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट आपको नजर आएगा, तो उस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसका मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूं यहाँ पर, जिसे हम जानते हैं सर्किट थ्योरी के नाम से। तो सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर क्या है? सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर की सर्किट थ्योरी क्या है? देखिए, जैसे हम सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर की चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही सर्किट थ्योरी आप पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो दोनों ही ये बिल्कुल एक जैसी हैं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम जो है वो वहां रेजिस्टेंस की मिलेंगे आपको सेकेंड यूनिट के अंदर, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। यहां जो प्रॉब्लम्स मिल रही हैं वो कैपेसिटर की मिल रही हैं। जैसे इसको हम समझेंगे कुछ एग्जांपल के हेल्प से। मान लो हमने पहला एग्जांपल लिया, इसके अंदर हमने कुछ कंडेंसर्स इस तरीके से जोड़े हुए, यहां पर ये हमने कुछ कंडेंसर्स लगाए हुए हैं। मान लीजिए कि आपने एक बैटरी यहां पर, ये सपोज आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसको यहां कनेक्ट कर दिया, और दूसरी एक बैटरी आपने मान लीजिए 10 वोल्ट की यहां पर कनेक्ट की, ये 10 वोल्ट इस तरह से इनको जोड़ दिया। ये सारे जो कैपेसिटर्स हैं, मान लीजिए सभी 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस के हैं, 2 माइक्रोफेरेड इस तरह से जुड़े हुए। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रत्येक कंडक्टर के एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और प्रत्येक कंडक्टर पर चार्ज कितना है। तो ये सर्किट आपको दिया हुआ है, तो इस सर्किट के हेल्प से आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कंडेंसर। हर कंडेंसर पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है और चार्ज बताना है। तो इस तरह के जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिया है, तो आपको और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स मिल सकते हैं। इनको सॉल्व जो हम करते हैं तो उसके लिए हम सर्किट थ्योरी यूज करते हैं। सर्किट थ्योरी क्या है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो जो बड़ा वाला जो डंडा होता है ये हाई पोटेंशियल पर होता है, इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा वाला जो बैटरी का ये डंडा जो लगा हुआ है इसको हम लो पोटेंशियल पर मानते हैं। तो आप एक काम करिए, मान लो हमने यहां पर 0 वोल्ट ले लिया, हमने ये एंड 0 वोल्ट पर कंसिडर किया, तो देखो इससे ये इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोड कितने वोल्ट पर आएगा? 0 वोल्ट पर। इस पॉइंट से ये प्लेट जुड़ी हुई है, कितने वोल्ट पर आएगी? 0 वोल्ट पर। और देखो कौन जुड़ा हुआ है, इससे ये प्लेट जुड़ी हुई है, कितने वोल्ट पर आएगी? 0 वोल्ट पर। अच्छा जी, और देखो ये जुड़ा हुआ है, कितने वोल्ट पर आएगा? 0 वोल्ट पर। मैं आपको सर्किट थ्योरी समझा रहा हूं। सर्किट थ्योरी में हम क्या करेंगे, किसी एक एंड के पोटेंशियल को 0 मान लेंगे, ठीक है, हमने ये 0 मान लिया। तो अब इस एंड को किस किस कंडक्टर से जोड़ा गया है, जो कंडक्टर जुड़े हुए हैं इस एंड से वो सारे 0 वोल्ट पर कंसीडर करेंगे। तो देखो इस बैटरी का ये जो इलेक्ट्रोड है ये जुड़ा हुआ है, तो 0 वोल्ट पर आएगा। ये देखिए ये प्लेट जुड़ी हुई है 0 वोल्ट पर, इससे ये प्लेट जुड़ी हुई है, ये 0 वोल्ट पर होगी, और ये बैटरी का इलेक्ट्रोड ये 0 वोल्ट पर आएगा। बहुत बढ़िया जी, तो सर्किट थ्योरी का ये कंसेप्ट है कि हम किसी एक पॉइंट को 0 पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद जितने भी कंडक्टर्स जुड़े होते हैं उन सभी को 0 पोटेंशियल पर मान लेंगे। अब हमने ये देखा कि भाई जब ये इलेक्ट्रोड 0 वोल्ट पर है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, तो इसका मतलब ये प्लेट कितने पर होनी चाहिए? 10 वोल्ट पर। इसी तरीके से ये प्लेट कितने पर होनी चाहिए? 20 वोल्ट पर। बहुत बढ़िया जी, अगर ये 20 वोल्ट पर आ गई तो देखो इस बैटरी के इलेक्ट्रोड से जो कंडक्टर जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से कंडक्टर जुड़े हुए हैं? एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है। तो आपको बताया कि बैटरी की पोलैरिटी से जिस भी कंडक्टर को जोड़ा जाएगा तो जो उस पोलैरिटी का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उस कंडक्टर का होगा। तो ये 20 वोल्ट पर है, तो इससे जितने भी कंडक्टर जुड़ेंगे सब 20 वोल्ट पर जुड़ेंगे, तो ये कितने पर आएगा? 20 वोल्ट। ये कितने पर आएगा? 20 वोल्ट। ये कितने पर आएगा? 20 वोल्ट। क्लियर? अच्छा जी, इधर हम देख रहे हैं कि ये 10 वोल्ट है, तो ये कितने पर आएगा? 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट पर आ गए। बहुत बढ़िया, तो अब हर किसी कंडक्टर का आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इनको नंबर दे देते हैं। ये कंडक्टर जो है ये इसकी ये प्लेट 1, ये प्लेट 2 और ये प्लेट 3। तो मैंने
आपसे ये पूछा है कि प्रत्येक कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ये कंडक्टर है सॉरी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कैपेसिटर ए मान लो, इसको बी मान लो, और ये जो कैपेसिटर है इसको आप सी मान लो। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए, ए के लिए बताओ, तो भाई साहब ये वाली प्लेट 20 वोल्ट पर, ये 0 पर, तो कितना आएगा 20 वोल्ट। बी का लिखो, बी ये है, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, तो यानी ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो कितना आएगा 20 माइनस 10, तो कितना आएगा 10 वोल्ट। इसी तरह से सी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखेंगे, तो सी ये कंडेंसर, ये कितने पर 20 वोल्ट, ये कितने पर 0, तो कितना आएगा 20 वोल्ट। तो हर किसी कंडक्टर का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। अच्छा जी, प्लेट नंबर 1, 2, 3 का चार्ज लिख दीजिए। तो चार्ज की अगर हम बात करेंगे, तो कंडेंसर ए का चार्ज कह लो या प्लेट 1 का चार्ज कह लो, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी कंडेंसर में अगर हम चार्ज की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस कंडेंसर की पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना है। पॉजिटिव प्लेट का चार्ज मतलब जो हाई पोटेंशियल पर है। अब इसमें देखिए, इसका पोटेंशियल 20, इसका 0, तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे और इसको नेगेटिव मानेंगे, यानी कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। इसी तरह से ये हाई पोटेंशियल पर है लो पर, तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, ये 20 0, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो किसी भी कंडेंसर के अंदर अगर हम बात करते हैं कि कंडेंसर पर कितना चार्ज है, तो मतलब उसकी पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज है। और आपने पढ़ाया कि अगर आपको चार्ज निकालना है, तो क्यू बराबर सीवी, यानी कि उस कंडेंसर पर चार्ज की वैल्यू, यानी पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना होगा, उस कंडेंसर का कैपेसिटेंस और उस कंडेंसर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम मान लीजिए चार्ज की बात करें, तो मैं यही लिख देता हूं, चार्ज ये तो हो गया पोटेंशियल और ये होगा चार्ज। तो आप बताइए इस पर चार्ज कितना आएगा, Q बराबर CV, तो C कितना है 2 और V कितना है इसका 20, तो 2 into 20 तो कितना आएगा 40 माइक्रो कूलम। अरे Q बराबर CV, अगर भाई साहब हम A की बात कर रहे हैं, तो A पर चार्ज निकालो CV, C कितना है A का 2 माइक्रो फेरेड, और V कितना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 0 20, तो कितना आएगा ये 40 माइक्रो कूलम। अगर हम बी के लिए चार्ज की बात करेंगे, तो बी पर क्यू बराबर CV, तो ये रहा इसकी पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, तो सी कितना है इसका 2 माइक्रो फेरेड, और इसका वी कितना है 10, तो एज इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा देखो 20 माइक्रो कूलम। और अगर हम सी की चर्चा करेंगे, तो सी पर चार्ज कितना होगा सीवी, तो सी कितना है इसका 2 माइक्रो फेरेड, और वी कितना है 20, तो कितना है 40 माइक्रो कूलम। तो इस तरीके से हम इन पर चार्ज बता सकते हैं कि इन प्लेट्स पर कितना कितना चार्ज होगा, या कंडेंसर पर कितने कितने चार्ज होंगे, इनके कितने कितने पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। तो ये सर्किट थ्योरी है। सर्किट थ्योरी में आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानेंगे, उसकी हेल्प से जितने भी कंडक्टर डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो सब 0 वोल्ट पर हो जाएंगे, और बाकी जो बैटरी की दूसरी जो पोलैरिटी है वो कितने वोल्ट पर होगी, तो वो हम इस हिसाब से देख लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो उससे हम दूसरे उसकी पोलैरिटी बता देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन और भी अगर हम यहां लें, ये एकदम आसान क्वेश्चन था, और देखिए कैसे कैसा क्वेश्चन आपको यहां मिल सकता है। बाकी हम सर्किट थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल मिल जाते हैं। तो अगला हम अगर एग्जांपल लें, तो मान लीजिए हमने ये 3 कैपेसिटर लिए हुए हैं इस तरीके से, ये हमने 3 कैपेसिटर्स कंसिडर किए हुए हैं, ये मान लो कोई भी ले लो 5 माइक्रोफेरेड, इसको मान लो 6 माइक्रोफेरेड, ये मान लो 3 माइक्रोफेरेड इस तरीके से, और इनको हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये बैटरी मान लो 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की है, क्लियर, एक बैटरी यहां भी लगा दो, चलो ये मान लो 10 वोल्ट की है, कितने की 10 वोल्ट की, और इसको ऐसे आपस में जोड़ दिया, क्लियर। अब बताइए वही क्वेश्चन है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर या कंडेंसर, एक ही बात, क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, तो हमने मान लो इस पॉइंट की अर्थिंग कर दी, अर्थिंग मतलब कि 0 वोल्ट का आपने पोटेंशियल दे दिया, तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट होगा, और कौन जुड़ रहा है देखो इससे डायरेक्ट, और डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है, ये 0 वोल्ट होगा। अरे भाई साहब यहां से ये जुड़ा हुआ है, ये 0 वोल्ट कर दो, ये बैटरी का ये नेगेटिव पोटेंशियल मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये 0 वोल्ट पर आएगा और ये प्लेट 0 वोल्ट पर आएगी, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये प्लेट कितने पर आएगी 10 वोल्ट पर, अगर ये 10 वोल्ट पर है तो ये कितने पर आएगा 10 वोल्ट पर। अच्छा जी ये है तुम्हारा 0, ये 20 वोल्ट, तो ये कितने पर आएगा 20 वोल्ट, तो ये कितने पर आएगा 20 वोल्ट, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया जी। तो
तो आपको इस प्लेट का पोटेंशियल पता चल गया 20 वोल्ट, इस प्लेट का पोटेंशियल पता चल गया 10 वोल्ट, इस प्लेट का पोटेंशियल पता चल गया कितना 0 वोल्ट। तो पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में आपने एक फर्क देखा। पहले वाले क्वेश्चन में हमें दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल की वैल्यू पता थी कि भाई इस प्लेट का कितना है, इस प्लेट का कितना है, क्योंकि वहां पर बैटरी का जो कॉम्बिनेशन जो बना हुआ था, बैटरी का जो कनेक्शन था, वो था ही इस तरीके से कि आपने अगर मान लो सर्किट थ्योरी यूज की, यानी किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो किया, तो बाकी के दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल हमें अपने आप पता चल गए। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, उसकी वजह से फिर हमने चार्ज की वैल्यू निकाल ली। लेकिन यहां पर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम तीनों कंडेंसर की एक एक प्लेट के पोटेंशियल को जानते हैं, किसी मतलब दूसरी प्लेट का पोटेंशियल हमें नहीं पता। मान लो कि ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 3, इनके पोटेंशियल नहीं पता है। तो फिर हम कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? तरीका है कि देखिए, यहां आप ये जो भी जो पॉइंट है जहां पर ये तीनों प्लेट जुड़ रही है, यहां के पोटेंशियल को आप एक्स मान लीजिए, ठीक है, और ये पोटेंशियल आप एक्स ऐसा मानेंगे कि ये जो अदर प्लेट हैं उन सब के पोटेंशियल से ज्यादा है। अगर ये एक्स है तो इसका भी कितना होगा एक्स, इसका पोटेंशियल भी कितना होगा एक्स, इसका भी कितना होगा एक्स, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है, तो जितने भी कंडक्टर इससे जुड़ेंगे वो सब सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, और हम ऐसा मानेंगे कि ये एक्स जो है जितनी भी अदर प्लेट के पोटेंशियल है, जैसे कि 0 है, 20 है और 10 है, तो इस इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है 20, तो हम माने x 20 से भी बड़ा है, x क्या है 20 से भी बड़ा है, ऐसा हम मान करके चलेंगे। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया जी। एक चीज और यहां पर आप देखिए कि ये जो तीनों प्लेट हैं, ये तीनों प्लेट अगर ध्यान से हम देखें तो ये तीनों प्लेट जो हैं, ये एक तरह से आइसोलेटेड हैं, यानी कि किसी दूसरे बैटरी से या किसी दूसरे कंडेंसर से कनेक्ट, मतलब किसी दूसरे प्लेट से कनेक्ट नहीं है। ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट मैं अलग बना रहा हूं यहां पर इस तरीके से, आप देखिए ये इस टाइप से, ये ऐसे कनेक्ट है। तो सोचिए कि पहले जब हमने मतलब ये बैटरी नहीं बनाई, सॉरी ये जो सर्किट है, तो सर्किट में हमने ये देखा कि जो बैटरी चार्ज जो ट्रांसफर करेगी एक से दूसरे पर, तो वो इस वाली प्लेट पर आएगा या इस प्लेट पर आएगा, इस प्लेट पर आएगा, इन प्लेट्स पर कोई चार्ज का ट्रांसफर इस बैटरी की वजह से नहीं होगा। इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आएंगे वो इंडक्शन की वजह से आएंगे, यानी कि हो सकता है ये पॉजिटिव है तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज दे, कुछ इधर भेज दे तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, इस तरह से, यानी कि इन तीनों प्लेट का आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट टोटल चार्ज कितना है अगर हम देखें, टोटल चार्ज हमने 0 मान लिया, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, शुरू में हमने ये मान लिया। तो बैटरी से अगर इन वाली मतलब इस और इस प्लेट पर चार्ज आया है, तो इन चार्जेस की वजह से इंडक्शन से इस पर और इस पर भी चार्ज अराइज होगा, बट तीनों का सम होगा क्या 0। क्यों? क्योंकि इन प्लेट्स को किसी दूसरे ने चार्ज नहीं दिया है, चार्ज आपस में एक दूसरे की तरफ गया है। तो हमने मान लिया कि इस पर चार्ज आया है Q1, इस पर चार्ज आया है Q2 और इस पर चार्ज आया है Q3। तो अगर मैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की बात करूं तो तीनों का सम क्या आएगा 0। नहीं है बस, अरे ऐसा मान लो कि यहां पर हमने स्विच लगा दिए, एक स्विच यहां पर है, एक स्विच यहां पर है, और ये तीनों ही कंडेंसर हमने कैसे ले लिया अनचार्ज, तो मतलब इन प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो इन पर चार्ज आए, तो चार्ज किस पर आएगा, जो बैटरी से जुड़ा हुआ है इस पर चार्ज आएगा, इस प्लेट पर चार्ज आएगा या फिर इस प्लेट पर चार्ज आएगा। इन तीनों प्लेट्स पर पहले भी चार्ज 0 था, लेकिन बैटरी कनेक्ट होने के बाद इनके ऊपर अब चार्ज आएगा, इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, इस पर Q1, इस पर Q2, इस पर Q3, लेकिन तीनों का सम क्या होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि पहले तो इन पर कोई चार्ज नहीं, अब जो चार्ज आया है वो इन तीनों प्लेट्स के चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन से आया, यानी कि एक का चार्ज दूसरे पर चला गया। मान लो पहले ये 0, ये भी 0, ये भी 0, मान लो एक माइक्रोकूलम का चार्ज इधर चला गया पॉजिटिव, तो ये +1 माइक्रोकूलम, तो ये -1 माइक्रोकूलम, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा, तो यानी कि तीनों का चार्ज क्या होगा 0। अच्छा जी, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कंडेंसर के एंड का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, नाम दे दो इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो ए की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसका पीडी लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक्स माइनस 20। बी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए तो एक्स माइनस 0। मैंने बताया एक्स को हम सबसे बड़ा पोटेंशियल मानेंगे, और सी कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना है एक्स का, तो एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10, ये भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर तो मैं एक्स पता चल जाए तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। अच्छा चार्ज बताइए, आपको बताया क्यू बराबर होता है सी,
तो अगर मैं Q1 की वैल्यू तुमसे पूछूं, Q1 बताइए, Q1 तो Q1 बराबर C, C कितना है 5 माइक्रो फैरेड और V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है X माइनस 20। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस प्लेट पर चार्ज बताओ, तो ये चार्ज क्या आएगा, इसका कैपेसिटेंस और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक्स माइनस 20 है पोटेंशियल डिफरेंस और सी कितना है इसका 5। इसी तरीके से अगर हम Q2 निकालेंगे तो Q2 इज इक्वल टू, यानी कि इस पर चार्ज, तो C कितना है इसका 6, तो 6 माइक्रोफेरेड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस जीरो। और Q3 इस पर चार्ज बताइए कितना आएगा, तो कितना आएगा ये C कितना है इसका 3 माइक्रोफेरेड इनटू और x माइनस 10। ये चार्ज पता चल गए, इन तीनों चार्जेस का सम करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि 5 माइक्रोफेरेड 5x माइनस 20 प्लस x माइनस 20 और ये आएगा तुम्हारा प्लस कितना है 6 इंटू x प्लस और ये आएगा 3 इंटू x माइनस 10 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आएगी x की, तो कितना आ जाएगा ये 5x और ये प्लस का 6x और प्लस का 3x। ये देख साथ आ गए, ये सब माइनस में है तो माइनस का 20 पंजे 100 तो 100 और ये आ जाएगा 10 30 तो माइनस के 30 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 6 और 3 9 और ये 14, ये हो गया 14x इज इक्वल टू 14 आएगा ना, यानी कि 5 प्लस 6 11 प्लस 3 14। 14x इज इक्वल टू आएगा 130, तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज 130/14। ये x इतना आ गया, इस x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तो यहां पर जब पुट करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ये वास्तव में अगर रफली हम इसको देखें तो अगर ये होता, ये 10 से कम आएगा, दिस इज लेस देन 10, तो ये 8.9 समथिंग या 8.8 समथिंग आएगा, ये यानी दिस इज लेस देन 9 से भी कम आएगा, ये 9 चौक 36 यानी कि 3 और 12 नहीं 9 से तो ज्यादा आएगा, ये आएगा 9 point something आएगा, दिस इज लेस देन 10 9 point something आएगा। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां अगर पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं तो ये x माइनस 20 यानी कि यहां पर ये 20 पर है और ये आएगा तुम्हारा 9 point something, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना आएगा, ये आएगा 10 point something आएगा। तो इस तरीके से हम यहां इन सब के पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये Q1 जो आएगा तो इस जगह पर ये क्यू, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पर है ये लो पोटेंशियल पर, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये नेगेटिव प्लेट होगी। तो यहां पर जब Q1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो Q1 यहां वैल्यू पुट कर देंगे आप जो भी आ रही है, ये देखो एक्स की वैल्यू 10 से कमाएगी, तो 10 से कमाएगी यहां पुट करेंगे तो Q1 की जो वैल्यू आएगी 5 इंटू जो भी आएगा ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे तो ये जो एक्स आ रहा है ये 10 के समथिंग आया, ऑलमोस्ट इसको आप 10 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये 60 ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, लेकिन इन तीनों का जब सम करोगे तो वो 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0। तो ये सब कैलकुलेशन आपको करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं हम इनको सर्किट थ्योरी की हेल्प से सॉल्व करते हैं, क्लियर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको बैटरी और कैपेसिटर लगे हुए कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट नजर आ रहा है तो आपको करना क्या है, आपको सर्किट थ्योरी यूज करनी है पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे आपको बुक में दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को कमेंट्स और शेयर करें, थैंक यू।